खबर है सीधी से, जहां सीधी मां मंदिर से बेसकीमती मूर्ति चोरी हुई है। अपना पत्र बता दी कि पुलिस जो है यह पूरे मामला की जांच करें मौकम पहुंची रही। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपने पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के, जो ने अपना पंचन बता दी। सीधी जिला में आस्था पर लगातार जो है प्रहार हो रहा है, ज़्यादातर जो है मूर्ति चोरी के मामला सामने आ रहा है। कि पहले सीधी जिला में कई एक मूर्ति जो है मंदिर से चोरी हो गई रही, लेकिन उन चोरन के आज तक पता नहीं चल सका है। हुआ बिग फिर से मंदिर से मूर्ति चोरी भई। अपना पंचन बता दी सीधी जिला के चुरहट थाना अंतर्गत ग्राम साड़ा शिवराजपुर में अष्टभुजी देवी माँ के मंदिर लगभग 2.5 फीट के शिला की मूर्ति जो है दिन सोमवार का दिनांक 26 जुलाई के रात माँ गायब हो गई। अब और यह पूरा घटना जो है जब गांव वाले जाने तो सबके होश उड़ गए। प्रातःकाल जब भक्तगढ़ जो है दिनांक 27 जुलाई 2021 का पूजा करे खितिर मंदिर गए, तो मंदिर माँ अष्टभुजी देवी माँ के मूर्ति नहीं रही। देवी माँ के मूर्ति की चोरी होने की आशंका ग्रामीणों द्वारा जताई जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि भक्तन की भीड़ जो है सावन माह में पहले सोमवार कारण पूजा पाठ करे खितिर पहुंची रही, तब जो है माता की मूर्ति मंदिर में रही, परंतु सोमवार के रात जो है अचानक अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति का चोरी कर लेगा। प्रातःकाल जब कुछ भक्त जो है मंगलवार का पूजा अर्चना करे के खातिर जो है मंदिर में पहुंचे, तो मूर्ति गायब देख के आसपास के अन्य लोगों से भक्तन का सूचना दीन और स्थानीय लोगों के द्वारा बतावा गया कि लगभग 8 बजे तक मूर्ति तो रही, लेकिन ओके बाद अज्ञात लोगों के द्वारा समय जो है या जनता का मालूम नहीं रहा और यह मूर्ति जो है चोरी कर ली गए। वहीं जो है शिवराजपुर में महिलाओं के द्वारा बताया गया कि जब उस सुबह माता के दर्शन खातिर मंदिर पहुंचे तो मूर्ति नहीं रही और उनके द्वारा सोचा गया कौन अराजक तत्वों के द्वारा छिपाए दी गई हुई। आसपास खूब खोजबीन की गए, लेकिन मूर्ति के कहों पता रहता नहीं चला। अपना पंचक बता दी कि कुछ साल पहले जो है महुआ के पेड़ के नीचे से निकली रही मूर्ति। ग्रामीणों ने कहा है कई एक साल पहले मेन सड़क से कुछ दूरी पर महुआ के पेड़ के नीचे यह मूर्ति निकली रही, जेकर जो है तत्कालीन सरपंच बुद्धि कोल द्वारा मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा कराई गई रही और सभी ग्रामीणों के आस्था जो है ये मंदिर में जुड़ी रही, लेकिन यह मूर्ति के जो है मिला बेहद आवश्यक है। कहे कि मूर्ति चोरी जो कहे है ओका कठोर से कठोर दंड दी जाए चाहिए। और अपना प्रत्येक बताई ये पूरे मामला में चुरहट के थाना के एएसआई श्रीपाल सिंह बघेल के द्वारा बताया गया कि पुलिस के द्वारा एक सूचना जो है सुबह 10 बजे दीन गए, तत्काल घटनास्थल पर पुलिस पहुंच कर लोगों से जानकारी इकट्ठा कर रही है और चोरन का पकड़े खातिर जांच शुरू कर दी गई। ता यह जो है चुरहट से शिवेन तिवारी की पूरी रिपोर्ट और सुनी सभी के पूरा बयान। कहे कि सीधी माँ पुलिस के ऊपर अब लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं और निशान इसे लग रहे हैं कहे कि आए दिन घटना के ग्राफ सीधी माँ बढ़ रहा है और या कौनो न कौनो आस्था माँ यदि कौनो सोची समझी साजिश के तहत प्रहार की गया है तो यह बेहद दुखद घटनाक्रम है और जल्द से जल्द पुलिस पूरे मामला के यदि पर्दाफाश नहीं करे तो निश्चित तौर पर ग्रामीणों के आक्रोश के सामना करे के पड़ सकते हैं। सुनी पूरा बयान, आपने अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। क्या नाम है आपका? गणेश। आपका घर यहाँ मंदिर से नजदीक पर है जी, तो जब मंदिर की मूर्ति चोरी हुई उस समय आपको जानकारी नहीं हुई? नहीं। कितने बजे तक रात्रि में आप जाग रहे थे? 9:30 के बीच। फिर उसके बाद? इसके बाद सो गए, दिन भर काम करते हैं। तो किसी प्रकार की जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं। अपने लोग आदमी बनाए, सरपंच बनाया। मंदिर कब से बना है यहाँ पर? यहाँ 40 साल हो गया। और मूर्ति कितनी पुरानी रही होगी? मूर्ति तो बहुत पुरानी 50 मान लीजिए। 50 जी। कहाँ की आंख लगी थी? चांदी। चांदी की आंख लगवाई गई थी। कौन लगवाए थे? ये हमारे चाचा जी से लगवाए। कब लगवाए थे लगभग? 20 साल। श्रीमान जी, मंदिर में साड़ा में मूर्ति चोरी है, उस संबंध में पुलिस का क्या कहना है? मंदिर में अर्धी देवी है, अर्धी मंदिर है, मूर्ति चोरी हो गई है। जाकर वहाँ तस्दीक किया तो पता चला है, ग्रामीणों ने बताया कि करीब 2.5 फुट उसी पत्थर की मूर्ति थी और उसमें चांदी की आती है, रात में थी, दिन सुबह देखने पर नहीं मिली। तो तस्दीक कर रहा हूँ, पता कर रहा हूँ।